के साथ तो प्रेमपुर नमस्कार के साथ तो आपसे बात करो। अगर आपको एक HF गाय खरीदनी है यानी कि होस्टल फ्रीजियन गाय खरीदनी है तो वो सबसे पहले आप जब भी मंडी से गाय खरीदें तो उसके नीचे एक फीमेल काफ जरूर खरीदें। और अगर आप किसी किसान से खरीद रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि और किसान लोग भी क्या कर रहे हैं कि भाई फीमेल काफ के नीचे दे तो रहे लेकिन ओरिजिनल HF गाय आपको नहीं दे पा रहा। अगर आपको HF गाय परचेज करना है और किस तरह से हम HF गाय को आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास ओरिजिनल HF ब्रीड की नस्ल है या नहीं है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको हम कैसे जानकारी लें, सबसे पहले देखिए मैं आपको बात करूँ उसके हेड के ऊपर बात करते हैं। इनके जो आप हेड देखोगे यहाँ पर नजदीक लाकर देखा जरा, इनके अगर आप हेड देखोगे इनके जो माउथ है इनके जो इनके मुंह है और इनके हाइट आप देखोगे तो थोड़ी सी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से इनके जो नाक है नाक का थोड़ा स्मूथली आपको देखने को मिल जाएगा और नाक पे इनका हर हमेशा पानी रहेगा, यानी कि जो आपके स्वस्थ पशु रहेगा उसके नाक पे पानी रहेगा। इसके अगर आंखें देखोगे आप आंखों में भाई साहब यानी कि जो इनकी जो यानी कि क्वालिटी होती है आंखों में इनकी जो उससे ना होती है आपको देखने को मिल जाएगा। इनका अगर आप हेड देखोगे तीन कोने आकार का हेड या फिर यहाँ पे इसको बाल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई कोई HF गाय जो होती है यहाँ पे आपके बाल आती है। और इनके कान देखोगे तो सर कान बहुत ही आपको छोटा देखने को मिलेगा, कान आपको बहुत छोटा आएगा। अब बात करते जी यहाँ पे इनके जो हाइट है अप्रोक्स आपको जो यहाँ पे हाइट है 2 फीट का आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा लंबी आपको नहीं मिलेगी गर्दन इनकी, छोटी सी आपको गर्दन मिल जाएगी। अब बात करते जी इनके ऊपर एक यहाँ पे ये जो होता है ये उनका आप शोल्डर देख रहे हो, यहाँ पे शोल्डर के पास एक स्पेस जो आप देख रहे हो मेरे हाथ यहाँ पे देख रहे हो तो ये शोल्डर के पास एक स्पेस आता है जो आपकी गाय को दर्शाता है भाई ये गाय की जो शोल्डर यहाँ से ओपन तो नहीं है। ये गाय को देखोगे अगर आप इनके रीढ़ खड्डी देखो तो रीढ़ खड्डी जो आपको बहुत स्मूथली स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाती है। इनके जो ये चेस्ट की हड्डियाँ होती है इनके बीच में आपको 2 इंच का गैप देखने को मिल जाएगा अप्रोक्स 2 इंच का। और इनके जो चेस्ट की हड्डी है जो बोन है देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 से 3 इंच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको 3 इंच होना अनिवार्य है। तो इससे पता चलता है हमारी गाय दुधारू गाय है। अगर आप इसकी एड्रेस पे देखोगे तो सर इनका एड्रेस जो है अभी मैंने इनका दूध तो निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला है क्योंकि अभी तो हम लोग दूध बच्चे को पिला रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे मिल्क वैन का पाइपलाइन आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसके पास भाई जितना बड़ा कुआं रहेगा उतना बड़ा आपको दूध देगी। तो जो कुआं होता है यहाँ से जो मिल्क का जो कुआं है ये नस आप जो देख रहे हो ये नस आपको मिल्क वैन का नस आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि भाई जो मिल्क वैन का नस है ये कैसा है नहीं है। तो जितना जो नस का ये जो होता है ये जितना गाढ़ापन रहेगा उतनी पशु आपके दुधारू आपको कहलाएगी किसान साथी। तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दिया करें कि ये जो यहाँ पे कुआं है इस कुएं के ऊपर आप जरूर ध्यान दिया करें। ये कुएं का जो मोटाई है कम से कम आप देखो तो मेरे 2 इंच का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो ये जो मोटाई इसकी 2 इंच का आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसके ऑर्डर पे आओगे तो भाई इसके ऑर्डर पे देखो नसें उभरी उभरी आपको देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे ऑर्डर पे सेफ देखोगे तो सर ये जो आपके ऑर्डर है आपको इसकी नसें उभरी दिख जाएगी। और साथ ही साथ क्या है कि किसान साथियों इनका जो मिल्क ऑर्डर सेफ है आप जब देखोगे तो बहुत ही शांत स्वभाव रहेंगी, साथ साथ इनकी जो ऑर्डर का डिस्टेंस है आपको देखने को मिल जाएगा। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो मेरे हिसाब से 5.5 फीट इनकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी, यानी 5.5 फीट इनका हाइट है। अगर आप टोटल लंबाई देखोगे तो 6-6.5 फीट आपको ये लंबाई देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं जी बैक से इनको बैक से कैसे दिखती हैं, तो जरा बैक से इधर आकर दिखाएं आप। अगर मैं इनकी टेल की बात करूँ तो सर HF गाय का जो टेल होता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा देखने को मिल जाए, इनकी टेल पे जो टेल जो होती है पूंछें जो होती हैं थोड़ी सी बालें आपको देखने को मिलेगी। सर आप यहाँ पे देखो ये ज्यादा आपको चौला दिखेगा, पीछे से आप देखोगे तो 3 कोने आकार का आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 3 कोने आकार का आपको यहाँ पे सेफ देखने को मिल जाएगा। 3 कोने आकार का जो सेफ देखने को मिलता है इससे क्या होता है आपकी गाय दुधारू गाय कहलाती है। आप यहाँ पे देखो इनकी जो अभी इनमें सूजन हल्का सा ये आपको यहाँ पे उभर और जब मैं शाम को इनका मिल्किंग करूंगा तो ये क्या होता है ये ज्यादा उभरा होता है। और इनकी अप्रोक्स जो मिल्क देने की क्षमता होती है 20 से 25 लीटर आपको मिल्क देने की क्षमता आपको मिल जाती है किसान साथियों। इनके आप खुर पे ध्यान जरूर दिया करें, इनके टेल पे ध्यान दिया करें, पीछे से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ निकला हुआ हो जाएगा किसान साथियों। साथ ही साथ और जरा बाहर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इनकी जो फोरहेड है जो हेड है इनकी हेड पर आप देखोगे ध्यान दोगे तो भाई हेड पर इनकी जो चमक है जो शाइनिंग है आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में ये गाय स्वस्थ है, इसमें कोई तरह की बीमारी नहीं है। और एक चीज़ गाय को एक चीज आप जरूर हमेशा ध्यान दिया करें कि गाय के नाक से पानी आना चाहिए, स्वस्थ पशु की पहचान है। आंखें में उत्तेजना इनका हो आंख इनका बहुत ही, और कोई भी चीज़ को जल्दी जब खाना पीना वगैरह दोगे ना तो खाना पीने के खाने के लिए भी तुरंत तैयार हो जाते हैं किसान साथियों। तो उस चीज़ को आप जरूर नोटिस किया करें। अब देखोगे इनकी जो हाइट है वेट है लंबाई आप देखोगे तो बढ़िया से आपको देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। और साल में आपको एक बच्चा देगी अगर आप मेंटेन करते हो, जैसे मैं मेंटेन करता हूँ प्रॉपर, अगर आप वैसे मेंटेन करते हो साल में आपको एक बच्चा दे देगी। तो ये हो गई थी HF गाय की पहचान। अब देखिए HF गाय हर किसी का होता है, हर एक ब्रीड का होता है। अगर जैसे कि मैं आपको बताऊँ ये जो मेरे पास HF जो बछड़ी आई है ये आपका बायफ का है, बुल नंबर 6201 का है, बायफ का है।
तो ये बायफ का अप्रोक्स मैंने 200 रुपीज का सीमेंट हमने डलवाया था बायफ का। तो और इनके जो माँ का मिल्क लाइनर था, इनसे जो पहले इनकी माँ था, उनकी माँ का जो सुधा डेयरी से हमने, सुधा डेयरी का सीमेंट था हमारे पास, तो वहाँ पे उनसे मुझे याद नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो पापा डलवाए थे, वो मुझे याद नहीं कि भाई कौन सी बुल की नस्ल थी या इसकी माँ कौन सी नस्ल की थी, लेकिन थी एच एफ ही थी, लेकिन इतना कन्फर्म हो, लेकिन ये मुझे याद नहीं कि उनकी जो माँ थी, इनका जो ब्लड लाइन था, इनकी माँ का बुल सीमेंट कौन सा था वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इसकी माँ ने भी मेरे पास 10 बच्चे दिए थे और ये अभी प्रॉपर 3 बच्चे दे चुके। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो तीसरे इलेक्ट्रीशियन है, 2 महीने आपको ऑलरेडी पहले दिखा देता, आप एक देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, एक देसी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई आप इसके अगर फेस भी देखोगे ना, ये आप अगर देखोगे यहाँ पे फेस, तो भाई ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये एच एफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आपको अच्छे से यहाँ पे फॉरहेड के पास स्मूथ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सर क्या है कि एक चीज़ तो है, ये गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा परेशानी करती है कि भाई गर्मियों के मौसम में हाँपती बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं क्या हूँ इसमें देख सकता हूँ, खुले में हरे में बांधता हूँ, और जो मैं अपने घर पे बांधता हूँ, दो मेरे पास 2-3 जो गाय है आपने देखा था, वो घर पे अलग बांधता हूँ, ये डेढ़े पे मैं इसको रखता हूँ। तो ये तो हो गया जी हमारे पास एच एफ गाय। अब बात करते हैं जिसकी प्राइस क्या होती है। देखिए अगर आपके पास एच एफ गाय है तो इसकी एक प्राइस, अगर मैक्सिमम आपकी गाय अगर 25 लीटर दूध देते हैं तो इसका अप्रोक्स प्राइस होना चाहिए 75 से 80 हज़ार रुपये मार्केट के हिसाब से, यानी कि हमारे गाँव में जो रेट चल रहा है अभी मार्केट में, ये अगर 1 लीटर अगर आपके पशु गाय दूध दे रही है तो उसका दाम आपको 3,000 रुपये मिल जाता है। अगर आपकी भैंस अगर 1 लीटर दूध दे तो उसका दाम 5,000 रुपये होता है। तो मान लीजिए 25 लीटर दूध दे रही है, इसका दाम टोटल 75,000 रुपये आता है। अगर ये बाछीन के नीचे है, अगर फीमेल काफ है, तो इसका दोस्तों 80 से 95 हज़ार रुपये तक दाम इनका पड़ जाता है, लगभग 80 हज़ार रुपये से 95 हज़ार रुपये समथिंग पड़ जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ब्रीड कौन सी नस्ल की, आप कौन सी नस्ल की गाय ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। साथ एच एफ गाय के जो मैंने आपको बताया था, ये जो पार्ट्स बताया था, इस पर आप जरूर ध्यान दे करें। और आप यहाँ पे देखो गर्दन, इसके देखोगे तो इसमें आपको गर्दन दिखाता हूँ, यहाँ पे आप इनको एक गर्दन देखोगे तो ये जो है ना, आप यहाँ पे देखो साहिवाल में देखो ये नीचे आता है, साहिवाल ब्रीड में आपको नीचे आ जाएगा, पूरा झुका हुआ रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर आपको झुका हुआ नहीं आता। ये एच एफ गाय में होता है क्या, ये आपको झुका हुआ नहीं आता, ये चीज होता है जी, आप इस चीज को जरूर देख लें। बाकी आप यहाँ पे देखो इसके पुट्ठे पे देखोगे तो थोड़ी सी पुट्ठे पे आप देखो, यहाँ पे दोनों जो शोल्डर का टच होता है, यहाँ पे उभरा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको स्मूथली डाउन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों को देखो डाउन आपको मिल जाएगा। बाकी रीढ़ हड्डी आपको स्ट्रेट लेवल में मिलेगी, रीढ़ हड्डी जितनी स्ट्रेट होगी, और ये हड्डी, ये जो आपकी हड्डी देखो ना, रीढ़ हड्डी के बाजू में हड्डी जो देख रहे हो, ये जितना इतना इससे ज़्यादा हो या इससे कम नहीं होना चाहिए, ये इतना जितना चौला होगा उतनी आपकी गाय दूध वाली हो, चाहे आपकी क्रॉस ब्रीड में कोई सी भी नस्ल हो, ये मायने नहीं। लेकिन अगर आप एच एफ की चॉइस कर रहे हो, प्रॉपर एच एफ खरीदना चाह रहे हो, तो आप इसे जरूर ध्यान दें। अगर आप बैक से देखोगे तो भाई बैक जो इनकी टेल भी मैंने आपको दिखाई दिया था, अब थोड़ी सी मैं इसको एक बार राउंड करके आपको दिखा देता हूँ, जरा इधर आए आप, हो गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अगर आप देखोगे तो भाई हाइट मेरी जितनी है, हाइट में नो कम्प्रोमाइज, हाइट आपको इतनी चाहिए चाहिए, चाहे आपके पास जो भी एच एफ गाय है उसकी हाइट अप्रोक्स इतनी होनी चाहिए। अगर मैं इसके पास खड़ा हूँ तो देख सो मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप देख तो इसकी हाइट चेक कर सकते हो, इसकी हाइट इतनी होना जरूरी है दोस्तों। तो एक चीज़ इससे ही पता चलता है कि भाई एच एफ गाय जो दूध देती है, इसमें मैं मानता हूँ इनका थोड़ा सा मिल्क फैट कम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मिल्क फैट कम होता है, घी वगैरह कम निकलते हैं, बट अगर आप मार्केटिंग पर्पज से अगर एच एफ गाय परचेस कर रहे हो कि भाई मुझे एच एफ गाय खरीदना है और मैं मार्केट में दूध को सेलिंग करूँ, आपके लिए बेस्ट है कि आप एच एफ गाय को परचेस कर सकते हो। हाँ, अगर इसके मुकाबले अगर हमारे पास देसी ब्रीड है तो देसी ब्रीड के ऊपर मैं एक काम कर रहा हूँ, जो आप मेरे एक तो यहाँ पे मेरे डेरे पे देख सकते हो और एक मेरे घर पे है, तो 2 महीने आपको देसी ब्रीड भी दिखाया था। तो वीडियो कैसे लिए कॉमेंट जरूर बताएं, अगर आप इस चैनल पहले विजिट के पास लाइक सर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर आप इस साइड से देखोगे तो सर इस साइड से आपको मिल्क वैन देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, ये हुआ अपना मिल्क वैन, ये हुआ दूध का ऑर्डर, ये हुआ अपना टी, देख सकते हो बढ़िया से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो नसें यहाँ पर उभरी हुई होती हैं, ये चीज़ बताता है भाई, और शांत स्वभाव की गाय होती हैं चप गाय, ठीक है। साथ साथ तो देखिए आपको क्या करना है, आपको पंजे के ऊपर भी, खुर के ऊपर भी ध्यान देना है, खुर ज़्यादा चौला नहीं होना चाहिए, खुर के ऊपर आपको ध्यान देना, चारों खुर आप चेक कर लें एक बार, ये जो खुड़े होती हैं ये भी एक बार जरूर देख लिया करें, तो खुर को भी आप जरूर नोटिस किया करें। इस साइड से अगर आप मिल्क वैन देखोगे, नसें देखोगे, तो इस साइड से आपको मिल्क वैन आपको उभरा हुआ नजर आएगा, इनका जो जो नाभि होता है, ढोरी होता है, वो नीचे की ओर नहीं झुका होना चाहिए, इसकी जो नाभि और ढोरियाँ ऊपर की ओर चिपकी होनी चाहिए किसी जाती हो। और साथ साथ मिल्क अडर आप देखोगे तो मिल्क अडर की जो लेआउटी होती है, आप अपने स्क्रीन देख सकते हो, बढ़िया से आपको लेआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस साइड से मैंने आपको प्रोफेस बताया, कान के बारे में बताया, आँख के बारे में बता दिया, तो इस तरीके से आप अपने दलाल से बच सकते हो प्रॉपर, और इस तरीके से आप ओरिजिनल ब्रीड की गाय को परचेस कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लिए कॉमेंट्स बॉक्स में बताया, अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर प्यास लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।